Hello friends, this is ANNU SAINI and welcome to Gita IAS Academy channel. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि UPSC and State PCS Civil Services, State Civil Services की prelims classes के लिए हमने एक most important question की series start की हुई है. Part 10 तक हम कर चुके हैं history के, part 11 लेकर आज मैं आपके साथ हूँ. History section हमने start किया हुआ है. So friends, जो लोग भी preparation कर रहे हैं prelims classes की, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें न्यू नोटिफिकेशन के लिए. लेट्स स्टार्ट द पार्ट 11 ऑफ हिस्ट्री फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है. ये स्टेट सिविल सर्विसेज लगभग UPPCS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन. चैत्य और विहार में क्या डिफरेंस होता है? चैत्य एक पूजा स्थल है और विहार निवास स्थान है. बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ये स्थल हैं. भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है. भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती. और ये कहाँ है? MP मध्य प्रदेश में है. भोजशाला मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है. महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग, ऑप्शन हो गया आपके पास 40, 50, 25, 30, 70, इस तरीके से कि कोई भी ऑप्शन हो सकता है. आंसर इज 70 वर्ष. 70 वर्ष की अवस्था में वो एक चित्रकार के रूप में उभरे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1829 का 17वां रेगुलेशन किससे संबंधित है? 1829 का 17वां रेगुलेशन सती प्रथा की समाप्ति से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है. इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861 भारतीय परिषद एक्ट था ये. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1861 के द्वारा दी गई थी अध्यादेश की शक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था. अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी जो सिस्टम था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट था, वो मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था. ये फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पर लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बम्बई प्रेसिडेंसी. एंड फ्रेंड्स अभी हिस्ट्री के पार्ट 11 को कर रहे हैं हम. अब नेक्स्ट सेशन हमारा ज्योग्राफी का होगा, एग्रीकल्चर का होगा, साइंस का होगा. जो लोग UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चकबंदी अधिकारी का पेपर जिन लोगों को देना है, वो लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को. किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस रिपीटेड होने के चांसेज हैं सभी के, किसी को भी रिपीट किया जा सकता है. किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आंसर इज लोकमान्य तिलक. 1915 में दो होम रूल लीग आरम्भ की थी नेतृत्व में. 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की थी. आंसर है तिलक, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में. कांग्रेस नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? आंसर है सरदार पटेल, कैबिनेट मिशन योजना के पूर्ण रूप से पक्ष में थे. आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे. स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1936 में. राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश के विभाजन कराया थी. राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में कौन सी घटना थी जिसने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन कराया? ये था विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण कीजिए. विधानसभाओं में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का प्रदान किया जाना, आरक्षण दिया जाना, यही वो घटना थी जिसने मतभेद के बीज बोए और अंततः देश का विभाजन कराया. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है 16 अगस्त 1940 को इसको मनाया जाता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
काफ़ी बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। अगस्त प्रस्ताव कब व किसके द्वारा रखा गया? अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त 1940 में लिन लिथगो के द्वारा ये रखा गया था। सो फ्रेंड्स, जो लोग यूपीपीसीएस चकबंदी अधिकारी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एमपीपीसीएस उत्तराखंड पीसीएस एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस के प्रीलिम्स क्लासेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, वो लेकर मैं आपके साथ हाजिर रहता हूँ। नेक्स्ट सेशन में पार्ट 12 में भी आपके साथ जल्दी आऊँगा, आपसे जल्दी मुलाकात होगी। एंड फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो टेस्ट सीरीज है ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी सी टैट यू पी टैट ये सब भी आने वाला है, SST के कैंडिडेट्स हमसे जुड़े रहे। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल गीता IAS अकेडमी चैनल। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।